मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं पंडित श्री संजय गौतम वाराणसी से मैंने अध्ययन किया है। मैं यही दमोह जिला का रहने वाला हूँ, हटा तहसील का। ये जो दमोह में बड़ा भव्य विशाल मंदिर है, यह करीब 7-8 वर्ष से इसका निर्माण चल रहा था। इसमें बड़े संघर्ष हुए हैं। इसमें पंडित श्री बिहारी लाल गौतम जी का विशेष सहयोग रहा है इस मंदिर में, और इस मंदिर का नाम शिव शनि हनुमान मंदिर। यह मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं अपने प्रमुख, उनको सभी को स्थापित किया गया है। यह 2020 28 फरवरी को यहाँ पर सभी देवी देवता स्थापित हो गए थे, और मैं भी यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, उस प्राण प्रतिष्ठा में आया था, और भगवान की कृपा हुई थी, मैं उनका सेवक भी बन गया। यह विशेष जो गर्भगृह है, इसमें शिव दरबार है, शिव परिवार है, और विशेष बात है कि इसमें जो पारा धातु कहलाती है, जो बहुत मतलब जिसके दर्शन हो जाए पारे के, जो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, वह 40 kg के, जिनकी कीमत अगर बताई जाए तो वो 5.25 लाख। इतनी साधारण बात नहीं है कि हर जगह मुश्किल रहता है कि पारे के शिवलिंग के दर्शन, लेकिन यहाँ पर भगवान के पारे के धातु की जो शिवलिंग है वो स्थापित है, और इसका बड़ा महत्व बताया जाता है कि पारे के शिवलिंग के दर्शन करें तो भगवान विशेष कृपा करते हैं। यहाँ पर बहुत से भगवान राधा कृष्ण जी विराजमान हैं हमारे, और नर्मदा जी भी साक्षात विराजमान है, और राम दरबार भी विराजमान है। राम दरबार, उसके बाद भगवान ने जब महाभारत हुआ तो गीता सुनाई, तो उस समय अर्जुन को जब अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए तो वो विराट स्वरूप के दर्शन भी यहाँ पर स्थित हैं। भगवान का विराट स्वरूप भी यहाँ पर दिख रहा है, और लक्ष्मी नारायण भगवान जो लक्ष्मी जी हैं और नारायण हैं, तो वो भी यहाँ पर स्थापित है। और जो कहते हैं कि संकट को हरने वाले हमारे वीर बजरंग बली हनुमान जी भी यहाँ पर स्थापित हैं, और यहाँ पर एक क्षेत्र है लक्ष्मण कुटी धाम, तो वहाँ पर एक संत जी थे नागा जी महाराज, तो वो भी यहाँ पर स्थित हैं। और कहा गया है कि भगवान परशुराम, तो इस मंदिर में भगवान परशुराम भी स्थापित हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी जी स्थापित हैं, और सुर्गी देवी जो सरस्वती कहा गया है, तो हमारी देवी जी सरस्वती भी स्थापित है। और विशेष बात है कि यहाँ पर मोई देवी भी विराजमान है। प्रथम शैलपुत्री चाह द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रचंडी थी, भूषमान देवी चतुर्थम, पंचम स्कंदमादे थी, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि थी, महागौरी चा। इस प्रकार 9 देवी भी स्थापित है, और विशेष जो शनिदेव महाराज हैं, हमारे शनिदेव भी यहाँ पर स्थापित है, जो विशेष कृपा करने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी भक्त शनिदेव को भी पूजन पाठ करते हैं, तिल अक्षत तेल से उनका अभिषेक करते हैं, तो वो उनकी भी सभी भक्तगण विशेष कृपा पाते हैं। एक प्रकार से कि यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी साधु संत हैं उनके भी स्थापित किए, तुलसीदास जी महाराज हैं, वाल्मीकि जी जैसे महाऋषि हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक प्रकार से आप अगर आए तो यहाँ पर आप जैसे ही आप आएंगे तो
सभी भागवत जितनी अपने मन में कामना रहती है भगवान के दर्शन करने की, उन सब भगवान के आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि अरे अब हमको इन भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको सब भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और आपके जो हृदय है वो गदगद हो जाएगा और आप पुनः विचार करेंगे चलिए नमो चलना है और वो शिवशनि हनुमान मंदिर है वहाँ के दर्शन हो जाए। यह जेल परिसर में है, जिला जेल है, उसी लाइन में शिवशनि हनुमान मंदिर है और यह बहुत विख्यात मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। आप सभी लोग कभी नमो आए तो शिवशनि हनुमान मंदिर में सभी भगवानों के सभी के दर्शन करें और अपने जीवन को बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। धरथामा है तेरा दाम दाम, थामा है तेरा दाम आराम तेरा काम आराम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है।